दो निस्बत से पूरा महीना तो आप माशाल्लाह से महफिलें कर ही रहे हैं और खुदावंद आलम हम सबको तौफीक दे, लेकिन ये जो दो निस्बतें हैं आज जिस निस्बत से आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, हम जमा हुए हैं, ये बहुत बड़ी निस्बत है। इससे बड़ी निस्बत वाकई शायद मेरी नजर में तो नहीं है। दोनों बहुत बड़ी निस्बत, एक शहजादे कासिम और एक शहजादा मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक का ताल्लुक है इमाम हसन अली सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद, दूसरे का ताल्लुक इमाम हुसैन से मोहम्मद वाले मोहम्मद। फैमिली बैकग्राउंड देखने से पहले आइए हम देखते हैं, हम तो खुद अपनी तारीफ करें तो कौन सी बड़ी बात है, जो तारीफ तो वो करे कि जो दुश्मन हो। वाह क्या कहना, वाह वाह करे तो वो तारीफ होती है। मिसाल के तौर पे जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत हसीन थे, बहुत हसीन थे, बहुत हसीन थे, लेकिन जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था वही उनके हुस्न की ज्यादा तारीफ करता था। जो दुश्मन उनके थे वही तारीफ करते। हाँ इस मामले में तो जनाब यूसुफ का कोई जवाब नहीं है और हमारी दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन इनका हुस्न इसका कोई जवाब शख्सियत गुफ्तगू करेंगे अभी हम, लेकिन तो एक जुमला यहाँ से पहले बयान करें कि दुश्मन भी आपकी फजीलत का इकरार करता है। इस तरीके से लोग बैठे हुए हैं शाम के हाकिम के पास, बात यह आई कि उसने पूछा कि तुम लोग मदीने में सबसे ज्यादा खिलाफत के लिए, हुकूमत के लिए किसको अहल समझते हो, किसको ये जानते हो कि वो खिलाफत उसको देना चाहिए, हुकूमत उसके सुपुर्द करना चाहिए। अच्छा जो चमचे बैठे थे तो जाहिर सी बात हो तो क्या बोले, उन्होंने कहा कि नहीं तुमसे ज्यादा तो कोई अच्छा नहीं है, बहुत तवज्जो चाहता हूं मैं यहां पर, तुमसे ज्यादा कोई मुनासिब तुम ही हो, तुम ही मुनासिब। उसने कहा नहीं तुम लोग गलत बयानी से काम कर ले रहे हो, मेरी नजर में क्या है मैं उसको बयान करता हूं, तुमने गलत बयानी से काम लिया। मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर कोई हुकूमत करने का अहल पूरी दुनिया में पाया जाता है इस वक्त, कोई खिलाफत करने का अहल पाया जाता है, तो मेरी नजर में वो अली इब्ने हुसैन इब्ने अली ये अकबर हैं। अच्छा उसने कहा कि क्यों, और उसका रीजन भी उसने बयान किया, ये किताबों में बाकायदा तौर पर है, ये बाकायदा इस फजीलत को बयान किया, वो जो रीजन बताया उसी पर मैं अपनी बहस तमाम करूं। फजीलतें बहुत ज्यादा है, रीजन क्या बताया क्यों, कहता है कि जो है चंदू रसूलुल्लाह, इनके जब जो है दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, पैगंबर इस्लाम, इनसे बेहतर कोई नहीं। पहली सिफत, पहली सिफत क्या, इनके जब यानी किसी की फजीलत उस वक्त जो है आया होती है, किसी की मनकबत उस वक्त की जाती है, कोई अहल हुकूमत हुकूमत का उस वक्त करार दिया जाता है दुश्मन की भी नजर में कि जब उसके आबाओ अजदाद का सिलसिला अच्छा हो। ये तो दुश्मन भी कह रहा है कि हुकूमत के लायक वो होगा कि जिसका हसब नसब पाकीज़ा हो और अच्छा हो। इस्लाम से बेहतर कौन जब होगा पूरी कायनात में, कोई हो सकता है, कोई नहीं पूरी दुनिया में, पैगंबर से बेहतर उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, जब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी सिफत क्या है, इसलिए मैं सबसे ज्यादा हुकूमत के लिए अहल समझता हूँ क्योंकि वफी है शुजाअत बनी हाशिम, क्योंकि बनी हाशिम की बात आई है यहाँ पर। अच्छा ये उस वक्त ये बनी शुजाअत की तारीफ कर रहा है जबकि इसने खुद सिफीन में मौला अब्बास को देखा है। मेरी बात शायद आप पहुंच जाए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि उस वक्त इसने क्या कहा कि वफी है शुजाअत तो बनी हाशिम, हाँ जिसमें बनी हाशिम की शुजाअत पाई जाती है। अल्लाह अकबर, इसलिए क्योंकि इनके अंदर जो है बनी हाशिम की शुजाअत पाई जा रही है।
ये उस वक्त तारीफ कर रहा है कि जब मौलाए कायनात मौजूद हैं, ये उस वक्त तारीफ कर रहा है कि जब मौला अब्बास को वो देख चुका है। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, मौला अब्बास को शबीह मौलाए कायनात मौला अब्बास को देख चुका है, इमाम हुसैन की शुजात से वाकिफ है। बनी हाशिम हर कोई शुजा है, इमाम हसन मुज्तबा की शुजात का मुशाहिदा कर चुका है। ये सारी चीजों को देखने के बाद उसके अलावा आप ऊपर जाइए, जनाबे हमजा को शुजा कह सकता है, वो शुजा तरीन शख्स थे, सैयदुश्शुहदा थे। हाँ, जनाबे हमजा के बारे में सबको कह सकता था, लेकिन वो कहता है कि सबसे ज्यादा बनी हाशिम में अगर कोई शुजा है तो वो ये अली, ये अकबर अलैहिस्सलाम है। और इस शुजात की बिना पर ये हुकूमत करने की अहलियत भी रखते हैं और ताकत भी रखते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब चूंकि नकले कौल कुफ्र ना बादशाह एक मकबूल है कि भाई कौल को नकल करना जो है कुफ्र की दलील ना हो, इसको मैं बयान कर रहा हूं। दूसरी जो तीसरी सिफत बयान, मैं उससे एग्री नहीं हूं, लेकिन चूंकि बयान किया उसको बयान कर रहा हूं। दो, जब तो रसूलुल्लाह व फीह शुजाअत तो बनी हाशिम, दो चीज हो गई। तीसरी चीज वा सखाहु बनी उमैया, क्योंकि इनके अंदर बनी उमैया की सखावत पाई जाती। अच्छा, उस जमाने में मैंने तहकीक किया, सखावत मशहूर थी अरब में जो है, बहुत ज्यादा सखावत। जनाबे अली अकबर को बताया कि इनसे ज्यादा इस वक्त कोई सखी नहीं है, ये बहुत ज्यादा सखी है, सखावत बहुत ज्यादा इनके अंदर पाई जाती है। यानी इनके दरवाजे पर आने वाला कोई खाली हाथ नहीं जाता है, जबकि मौला अब्बास भी दे सकते हैं, इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी, लेकिन सखावत की जब बात आ रही है तो जनाबे अली अकबर का नाम सामने आ रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद। बयान करता है वो कहता है हाकिम शाम के रहमन सकीफ, और इनके अंदर कबीले बनी सकीफ की का हुस्न जमाल पाया जाता है। इनके अंदर हुस्न जमाल पाया, नहीं इस वक्त जो अगर कोई सबसे ज्यादा हसीन और जमील है पूरे अरब तो वो अली थोड़े से लम्हे में थोड़े से वक्त में कितनी चीजों को बयान करूं, बस दो तीन चीजों को बयान करूं, इसी को बयान करते हैं। सखावत के मामले में, सखावत के बारे में कहते हैं कि जनाबे अली अकबर इस्लाम की सखावत का वो आलम था, जनाबे अली अकबर की सखावत का वो आलम था। अरब में ये दस्तूर था कि जब मेहमान कहीं दूर से आते थे, मुसाफिर हुआ करते थे, तो जिन घरों पर वो आग जलते हुए देखते थे, जहां से धुआं उठता हुआ देखते थे, तो उस घर के दरवाजे पे आके रुक जाते थे। अच्छा, कोई फकीर वकीर गरीब वरीब नहीं समझता था, ये एक दस्तूर था। जाहिर सी बात है, लोग न जाने कितने दिन का सफर इधर से उधर किया, अरब में ये दस्तूर था। भाई होटल वोटल तो था नहीं कि कहां पर खाना पीना खाएं, कहां पे जाएं, कहां पे काम करें, तो जिन घरों से धुआं उठता हुआ देखते थे, सोचते कि हाँ ये इनको इस घर वाले में, इन घर वालों में खिलाने की अहलियत पाई जाती है। उस घर पे वो रुक जाया करते थे, खाना भी खाते थे, काम भी करते थे। जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम की सखावत कैसे, आपने इमाम हसन से, अपने बाबा इमाम हुसैन से और अपनी वालदे गिरामी जनाबे उम्मे लैला से एक दिन अर्ज किया। आप एक दिन अर्ज करते कहते कि मैं ये चाहता हूं कि हमारे घर से ये जो चूल्हा जो रोशन होता है और चिलम होती है ऊपर धुआं निकलता है, गांव बिहार वगैरह में देखा होगा, चिलम से धुआं ऊपर निकलता है। तो आपने फरमाया कि बाबा मैं चाहता हूं कि धुआं इस तरह से बाहर की तरफ निकले, लोगों की नजर में आए, लोग देखें, ताकि जब मुसाफिर यहां से गुजरे तो वो समझ जाए कि यहां पर चूल्हा रोशन है और वो हमारे मेहमान बन सके, ताकि मैं उनके मेहमान नवाज सकूं। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। उस जमाने में जनाबे शहजादे जनाबे अली अकबर इस्लाम तमाम तर मेहमानों की जियाफत किया करते थे, मेहमान नवाजी करते थे। देखें उसने जमाल इस कदर है कि इतने हसीन इतने खूबसूरत अरब में किसी को नहीं देखा था। जितना जमाल जो खूबसूरती जनाबे अली अकबर में पाई जाती, मैंने जो हदीस इंशाल्लाह मैं अभी बयान करता हूँ, मौलाना इमाम हुसैन ने बयान फरमाया,
जनाब अली अकबर इस सिलसिले में आप बयान करते हैं कि अल्लाहुम्मा शहिद हाउलाई القوم برزوا عليهم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ونطقا لرسول الله। ये कब का फरमाया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने? वो उस वक्त फरमाया कि जब जनाब अली अकबर को रोजे आशूर भेज रहे थे। क्या आपने कहा? आपने बयान करना है मेरे परवरदिगार तू गवाह रहना। क्या कहा? तू गवाह रहना, अब मैं उसको भेज रहा हूं दुश्मनों के मुकाबले में। किसको? कोई मामूली शख्सियत नहीं है, उसको भेज रहा हूं कि जो खुल्क में, खल्क में, नुत्क में, यानी सीरत में, सूरत में, रफ्तार में, कलाम में और चलने में, बोलने में, फिरते में हर तरह से रसूल खुदा के मुशाबे है, यानी मुकम्मल तौर पर अगर किसी को हम शक्ल रसूल कहा जा सकता है तो वो अली अकबर है। अकेले नहीं निकलते थे, जब भी निकलते थे घर से तो मौला अब्बास के साथ मिला करते थे और हमेशा आपके चेहरे पर निकाब हुआ करते थे। उसका उसकी वजह क्या, रीजन क्या था? उसका रीजन ये था क्योंकि इतना हुस्न ज्यादा था आपका। जनाबी यूसुफ की दास्तान सुनते हैं आप, आपके हुस्न को देखकर मिस्र की जो औरतें थी वो उंगलियां काट बैठती थी, एहसास नहीं होता था, चाकू छुरी हाथ में रहता था, उन्हें उंगलियां कट गई पता नहीं चलता था, इतना मगन हो जाती थी जनाबे यूसुफ को देखने पे। यही हाल जो है मदीने का था। जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम जब निकलते थे आपके हुस्न को देखकर लोग अपनी अपनी दुकान डलिया काम घाम सब छोड़कर भूल जाते थे, किसी को होश ही नहीं रहता था कि हम कहां खड़े। क्यों? वो देखते थे। क्यों? क्योंकि शबीह रसूल आ रहा है, बेशक हम शक्ल रसूल आ रहा है, बेशक सीरत में भी, सूरत में भी, चाल में भी, ढाल में भी, गुफ्तार में भी, नर्म लहजा है, इतने शीरी बयान थे आपके अरब, पूरा आपकी इस कलाम पर, आपके बोलने पर, आपकी बात करने पर तारीफ किया करता था कि इतना बेहतरीन कलाम करने वाला हमने नहीं देखा। अल्लाह इसी वजह से, यही वजह थी मौला जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम हमेशा साथ साथ आपके रहते थे और साथ में लेके बाहर निकलते थे, दुकानें बंद हो जाती थी, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी में एक दिन एक ईसाई मस्जिद में दाखिल हो गया। कुछ मुसलमानों ने देखा कि वो मस्जिद में दाखिल हो रहा है और उसके पास पहुंच गए, जो है क्योंकि पता था ईसाई है, उसके बारे में डिटेल्स पता थी कि वो ईसाई, दौड़ते उसके बाद तू किस आपके मस्जिद में, तुमको नहीं आना चाहिए था, किसने तुमको ऑर्डर दिया, कोई परमिशन किसने दिया तुमको, तुमको पता नहीं है कि मुसलमानों की मस्जिद है और यहाँ नहीं आना, ये सारी चीजें जैसा होती हैं बातें जो जाहिलाना बातें, जबकि हमारे यहाँ किसी को पाबंदी नहीं, कोई भी आ सकता है मिसाल के तौर पर। हाँ तो वो तुमने कैसे, तुम आए कैसे, तुमको इजाजत कैसे? कहते हैं भैया तुमको पता नहीं है मैं कब का मुसलमान हो चुका हूँ। कैसे मुसलमान हो गए? कहा कि चलो मौला के पास चलना है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं, कैसे तुम साबित करो इस चीज को। चलो मुझे क्या है, मैं मुसलमान हूँ, मोमिन हूँ, पक्का मोमिन हूँ, मुझे क्या है, मैं चलो मैं साबित करता हूँ। चलते मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास लेकर आए, सुनो दास्तान, मौला के पास लेकर आए, जनाबे मौला इमाम हुसैन के बगल में जनाबे अली अकबर बैठे हुए थे, चेहरे पर निकाब, चेहरे पर निकाब लगी हुई है, निकाब है बाकायदा, और आप बगल में बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा, इमाम हुसैन बैठे हैं, पर इस्लाम बैठे, वो शख्स को लेकर लोग मौला की खिदमत में आ गए। उन्होंने क्या मतलब, क्या मसला है, क्यों यहाँ पर आए? ताकि मौला ऐसे ऐसे ये कह रहा है कि मैं मुसलमान हो गया, हम लोगों को पता ही नहीं कब मुसलमान हो, तो वो भी मुस्कुराने लगा, मौला भी मुस्कुराने लगे, क्योंकि मौला को पता ही था मुसलमान हो चुका है, इसने कल में तो भी पढ़ा है, कल में इकरार किया है। मौला कहता अच्छा कैसे तुम मुसलमान हो बताओ, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, सुने हसीज हो। वो कहता है कि मौला मैंने एक दिन ख्वाब में देखा रसूल इस्लाम की मैंने जियारत की, अल्लाह हू अकबर, और साथ में जनाबे ईसा को मैंने देखा, जनाबे ईसा इब्ने मरियम ने मुझसे कहा तुम किस रास्ते पर चल रहे हो, ये वक्त का रसूल है, इसे देख लो, पहचान लो। क्या बात है, क्या उसके बाद में बेदार होता, मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो गया।
कब उसने सांप देखा था, कब की बात थी नहीं पता, किसको देखा, रसूल इस्लाम की वफात को एक जमाना गुजर चुका। रसूल इस्लाम को उस मजमे में बहुत से लोग तो पहचानते थे ना, मसाहबी मौजूद थे, जानने वाले थे, बहुत से लोग जानते थे। मौलाना इमाम हुसैन ने उससे कहा कि अच्छा ये बताओ, तुमने कहा कि मैंने रसूल इस्लाम को ख्वाब में देखा है। हाँ मैंने देखा है ख्वाब में, मैंने उनकी ज़ियारत की है, मुझे उनका चेहरा याद है, मैं उनको पहचानता हूँ। अल्लाहु अकबर। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे सामने मैं रसूल की तस्वीर पेश करूँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह, तो पहचान लोगे। मौला मुझे पहचानने में क्या प्रॉब्लम, मैं जानता हूँ, मेरे ज़हन में वो तस्वीर चल रही है, मुझे याद है। ये कहना था कि मौला ने इशारा किया जनाब अली अकबर को, मौला जनाब अली अकबर ने अपने चेहरे से निकाब को हटाया, कहा कि पहचाना, वो उठकर खड़ा हो गया। जब रसूलुल्लाह, इन्हीं को तो ख्वाब में देखा था मैंने। कहने लगी मौला इमाम हुसैन से कि जब मैं मौला में जब बच्चे को अपने सुला देती हूँ ना, जब वो सो जाता है बच्चा जनाब अली अकबर, जब छोटे से थे, जब मैं सुला देती हूँ तो थोड़ी देर के बाद एक साया आता है जो उसके बच्चे के इर्द गिर्द रहता है, और कुछ देर वो साये से ऐसा लगता है बच्चा गुफ्तगु करता है, बात करता है। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, चार दिन हुआ, पांच, मैंने इग्नोर किया, सोचा शायद इधर कुछ हो, लेकिन मौला आप ये बताइए कि ये साया क्या है, कैसा है, मैं समझ नहीं सकी ये क्या है, क्या है। मौला पूछा क्या गुफ्तगू, बातें भी कहा, वो बच्चे से कुछ बातें होती, बच्चा बोलते बोलने की बोलता है, उसकी कोशिश करता बोलने की, कुछ बोलता है, मैं समझ नहीं पा रही। कहा उम्मे लैला, तुमने पहचाना नहीं, अल्लाह अकबर, वो कोई और नहीं, मैं खुद हुसैन इब्ने अली हूँ, मुझे एक लम्हा भी अपने बेटे अली अकबर की जुदाई बर्दाश्त नहीं, मुझे जुदाई बर्दाश्त नहीं है, मैं नहीं चाहता एक लम्हे भी दूर हूं, इसलिए मैं जब मुश्ताक होता हूं तो अपने बेटे अली अकबर के पास आता हूं, उसकी ज़ियारत से मुस्तफीज होता हूं। इस पलंदी पर चला भी अली अकबर, शुजाअत का वो आलम है, वो आलम है, इतने शुजा है अरब में कि कोई मिसाल नहीं। अगर आप तसव्वुर करें कि उसकी शुजात का क्या आलम होगा कि जिसका उस्ताद अबुल फजल अब्बास हो। अच्छा, इस घराने में औरत हो या मर्द, सभी दिलेर हैं, जिसकी परवरिश जनाबे ज़ैनब ने की हो, तसव्वुर करें। ये वाकया मिलता है कि जनाबे ज़ैनब की शादी पहले ही हो चुकी थी, बहुत पहले, जनाबे अली अकबर की विलादत से कई साल पहले आपकी शादी हुई थी, आपके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। जब जनाबे अली अकबर की विलादत हुई है तो आप अपने भैया इमाम हुसैन के पास आके अर्ज करती हैं कि भैया इस चांद से टुकड़े को मुझे दे दें। अल्लाह, सुनते हैं ना मजार में, इस चांद से टुकड़े को भैया मुझे दे दे, मैं परवरिश करूं। जितने बच्चे सब में, सबकी परवरिश में जनाबे ज़ैनब का हाथ है, बेशक हाँ, सबकी परवरिश में आप पीती जनाबे अली अकबर की, सबकी परवरिश में हाथ, लेकिन स्पेशली अगर किसी ने तरबियत किया है जनाबे अली अकबर की तो वो जनाबे ज़ैनब, आपने जनाबे ज़ैनब को देती एक शुजाते ज़ैनबी। यही वजह है, एक नाम जनाबे अली अकबर का मैंने देखा, शायद आपने पहली बार तो सुना, सुन रहे हो, वो नाम अली अकबर का अजीब अलग नाम था, अली अकबर के नाम से लोग जानते थे, लेकिन चूंकि जनाबे ज़ैनब के यहां आपकी परवरिश हुई थी, लिहाजा पूरा मदीना आपको अली अकबर ज़ैनबी कहकर सवाल पढ़ा।
जनाबे ज़ैनब से भी मिली, मौलाए कायनात की शुजात तरबियत जनाबे ज़ैनब की, हाँ तरबियत मौला अब्बास की, हुस्न अपनी वालिदा का, खुद रसूल इस्लाम का हुस्न, और सारी चीजें जब इकट्ठा हो गई तो एक वजूद बना जिसे अली अकबर कहता। अब जरा तसव्वुर करें उसकी क्या फजीलत होगी कि जो अली अकबर का शागिर्द हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सही पहुंचे आपका जश्न में बैठे हैं आप, जिसका शागिर्द जनाबे अली, जिसके शागिर्दी में जिसके उस्ताद जनाबे अली अकबर हो, उस बच्चे का क्या आलम होगा। यही तो वजह है सिन 13 बरस का है, सिन 13 बरस का। आजकल 13 बरस के बच्चे मतलब क्या आप देखें, क्या उन्हें लड़ने की सलाहियत है, तलवार उठा पाएंगे। सिन 13 बरस का सिन है, उस एज में इमामत की मारिफत भी है, इल्मे कुरान भी है, हाफिज़े कुरान भी है, हाफिज़े हदीस भी है, फुनूने हर्ब से भी आशना है, दुश्मनों को फिनार भी कर रहे हैं, और बगैर ज़रा के बगैर खुद के मैदान में कूद पड़े हैं। सलवात करें मोहम्मद वाले। जनाबे अली असगर के बाद अगर बचपना देखें तो सबसे कमसिन जनाबे कासिम है, लेकिन बहादुरी में आप देखें, मैंने कहा ना जिसकी तरबियत जनाबे अली अकबर ने की, आप अली जनाबे अली अकबर के भी शागिर्द हैं, मौला अब्बास के भी शागिर्द हैं। स्पेशली इमाम हुसैन ने जनाबे अली अकबर के हवाले किया था जनाबे कासिम, आप इनकी तरबियत कर आप सिखाएं। यही वजह है कि आप तारीख पढ़ें अपने दम रह जाती हैं, क्या खैमे इमाम हुसैन में इतना कपड़ा नहीं था, इतनी सीरा नहीं थी कि जनाबे कासिम को दी जा सकती। बिल्कुल इमाम हुसैन अवेलेबल कर सकते थे, शुजात इमाम तो, लेकिन शुजात जनाबे कासिम का कोई अंदाजा तो लगाया जरा। वाहिद शहीद है करबला के मैदान में जो बगैर जिरह के मैदान दुश्मनों के दरमियान लाखों के लश्कर में कूद, बगैर जिरह के एक मामूली सा कुर्ता पहनकर जाकर जंग लड़ा। किस आलम में बहादुरी है, हम तसव्वुर नहीं करते। मेरे जवानों, मेरे दोस्तों, जश्न हमारे लिए सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इस पर अमल करने की जरूरत है। वो जज्बा जो जनाबे कासिम में था, वो जो जज्बा जनाबे अली अकबर में था, उससे एज में इमामत को पहचान रहे थे, और इमामत की मार्फत इनके घर का हर शख्स आलिम होता है। माजल्ला जहालत से इनका कोई सरोकार नहीं होता है, ऐसे फसीहो बली होते थे, जब कलाम करते थे अरब पूरा खामोश बैठकर सुनता था। आज हमें उनकी सीरत को अपनाने की जरूरत है, आज हमें लाजिम है कि हम उनकी सीरत पर अमल करें, देखें कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को निखारा, इमाम पर अपनी जिंदगी को फिदा कर दिया। यही वजह है कि जुमले को हम लोग बहुत हल्का ले लेते हैं। जनाबे कासिम के जुमले देखें, जब पूछा इमाम हसन ने मौत तो, यानी इस जिंदगी इस उम्र में जिंदगी और मौत कौन समझता है भाई, इमाम से पूछ रहे हैं कि कासिम मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है, तो जनाब कासिम ने जवाब क्या दिया था, चाचा जान शहद से भी ज्यादा शीरीन है, वाहिद अगर किसी ने दुनिया में मौत का जायका बताया है तो जनाबे कासिम है। सलवात पढ़े मोहम्मद किस बुलंदी पे है जनाबे कासिम, मार्फत देखें जनाबे अली अकबर किस बुलंदी पर फायज है के मौला की खिदमत में है, नजरा सा चू है न चिरा। जो पहला लश्कर तरतीब दिया इमाम हुसैन ने, उस लश्कर में मैमना पर, मैसरा पर जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर हैं, और अलमदार मौला अब्बास हैं, कल्बे लश्कर
जो बीच में होता है, जो सबसे खतरनाक पॉइंट होता है, उसको वो अगर बिखर जाए तो वहां से पूरा लश्कर हार जाता है, तो खत्म हो जाता है पूरा लश्कर। कल्ब लश्कर में जनाब अली अकबर पर तरतीब थी इमाम हुसैन की, आप कोई भी मक्तल उठाकर देख लें, यही तरतीब है कि कल्ब लश्कर में है जनाब उस बुलंदी पर है। ये वजह है कि हर ख्वाहिश को जनाब अली अकबर की मौला हुसैन पूरी करते थे, छोटी सी भी ख्वाहिश होती थी ना उसको पूरा करते थे। बस यही से मैं अपनी बात करता हूँ, हर ख्वाहिश को कितनी भी छोटी ख्वाहिश हो बड़ी ख्वाहिश। कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा आप अलील हो गए, एक दिन जनाब अली अकबर ज्यादा अलील हो गए, बीमार हो गए, मौला इमाम हुसैन करीब में आकर बैठे, कहा बेटा अकबर कोई चीज की ख्वाहिश आरज़ू कोई चीज चाहते हैं आप? कहा बाबा इस वक्त अगर अंगूर मिल जाते तो बहुत अच्छा। अच्छा वो सीजन ऐसा था कि अंगूर का कोई पता नहीं था, दूर था, आउट ऑफ सीजन है, मुझे अंगूर की आरज़ू है बाबा, अंगूर चाहिए। रवायत में मैंने पढ़ा, रवायत के जुमले में मौला इमाम हुसैन ने दीवार की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर हाथ लगाकर जनाब अली अकबर के सामने किया, कहा लो बेटा नोश करो तुम्हारे लिए अंगूर जन्नत से। सलवात पढ़े मोहम्मद अल्लाह। ये छोटी छोटी ख्वाहिशें कभी गौर किया है आपने? इमाम हुसैन की विलादत हुई थी, दिन शाबान गुजरी, आपने जबान रिसालत को चूसा, जिंदगी भर आप रसूल की ज्यारत करते रहे। यही वजह है कि जब आखिरी वक्त आया तो इमाम हुसैन ने अली अकबर को करीब बुलाया, बेटा एक मतवा और ज़बान रसूल को मैं आया था तो रिसालत की ज़बान को चूसा था, अब जाना चाहता हूं तो रिसालत की ज़बान को चूसा चाहता हूं। हम सबको तौफीक अता फरमाए, ज्यादा से ज्यादा सीरत अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम पर अमल पैरा हो और खुसूसी तौर पर उस जिंदगी को अपनाएं कि जिस जिंदगी को शहदाए करबला ने अपनाया, इमाम की मारफत को सही मानों में हासिल कर सकें। बस इसी के साथ मैं दुआ चाहूंगा कि दो चार मिसरे में भी पढ़ दूं कि सिप्ते पैगंबर को हासिल ये सआदत हो गई, सिप्ते पैगंबर को हासिल ये सआदत हो गई, घर में हम शक्ले पैगंबर की विलादत हो गई, घर में हम शक्ले पैगंबर की विलादत हो गई, मिल गई शब्बीर को एक रोज